कांकेर शहर सहित ही ग्रामीण इलाकों के लोग अघोषित बिजली कटौती से परेशान हैं। इसी के चलते ही युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बिजली कार्यालय में प्रदर्शन किया है। इस दौरान ही सभी ने सैन चौक से रैली निकालकर फिर कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी की है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि शहर में रोजाना अघोषित रूप से घंटों बिजली कटौती की जाती है। शिकायत के बाद ही लोगों की समस्याओं को समाधान यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। बता दें कि इस समय ही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं सहित ही खेती किसानी का कार्य चल रहा है, लेकिन बिजली नहीं होने से सभी लोग परेशान हैं। मीडिया वालों को हमारा फोन आ रहा था कि क्या हालत हुई बिजली का। कल हमसे कई लोग बोले, हमारे युवा मोर्चा शहर मंडल के द्वारा आज बिजली विभाग पहुंचकर ज्ञापन दिया गया है कि आज देखिए कि लगातार हल्का सा पानी निकलता, रातर भर लाइट गोल है। गांव की स्थिति ये है कि दो दो दिन तक कई गाँव में लाइट नहीं है। अन्नपूर्णा पारा में आज सुबह लाइट आई है, बरदे भाटा में 2 बजे रात गोल हुआ, सुबह लाइट आ रही है। यहाँ फोन करो कोई रिसीव उठाता नहीं है, मतलब बिजली विभाग का कोई माई बाप नहीं रह गया है। मतलब भूपेश बघेल जी के इंचार्ज में जैसे उनका कोई माई बाप नहीं रह गया, वैसे विभाग का कोई माई बाप नहीं रह गया, पूरे भ्रष्टाचार से मुक्त। समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। इस उनके द्वारा दिए गए आवेदन को उच्च कार्यालय कार्यपालन अभियंता कांकेर उप संभाग को प्रेषित करके इस समस्या से अवगत करा दिया जाएगा। और साथ ही साथ अभी मानसून का आगमन हुआ है जिससे लाइन बाधित हो रहा है, उसके लिए हमारे कर्मचारी तत्पर लगे हुए हैं कार्य को सुधार करने के लिए। जहाँ भी फॉल्ट होता है उसको पूरा फॉल्ट जाकर सुधारवाने का कार्य किया जा रहा है। नहीं, कर्मचारी तो हैं वहाँ पर हमने दो शिफ्ट में यहाँ ड्यूटी लगाया हुआ है, जैसे रात में अगर कहीं सेक्शन उठता है, फॉल्ट होता है तो उसके लिए।